गुड मॉर्निंग हेल्दी आदर्श की फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे, मजे में होगे। तैयार खाते पीते रहो और अपना दिन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा दिन है 30वां दिन और धीरे धीरे हम लोग करके अपने 90 डे चैलेंज के आधे पड़ाव की तरफ पहुँच गए हैं। आप सभी का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फटाफट यार थोड़ा सा केले वेले खाते हैं और निकलते हैं जिम। आज आपको एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन बाइसेप वर्कआउट की वीडियो देने वाला हूँ, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए फटाफट मिलते हैं जिम में। तो जिम पहुँच गए हैं भाई लोग और आज लगा रहे हैं बाइसेप वर्कआउट। बहुत ही मैसिव वर्कआउट और हाई पीक वर्कआउट होने वाली है। जो बाइसेप में लोग पूछते हैं पीक क्यों नहीं आ रही, पीक क्यों नहीं आ रही है, तो उस चीज़ के लिए वर्कआउट बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो अपना सदाबहार जो है बाइसेप का, वो है बाइसेप कर्ल बारबेल से। तो इसको थोड़ा मैं आज हैवी वेट से लगा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा पंप आए। उसके बाद देखिए ये सेकंड एक्सरसाइज जो है, आप किसी भी ब्रेंच को ऐसे इंक्लाइन पोजीशन में कर और उसमें आप एक बिल्कुल अपने हाथ को वो टक इन करके फिर उसके बाद उस पर लगाइए इस तरह से कर्ल। पूरा देखिए पूरा मैसिव पीक आ रहा है। एक एक रैप्स को पूरा फील करके लगाइए और प्रॉपर लगाइए फॉर्म से। और जिस साइड से जितना लगा रहे हैं, अगर लेफ्ट साइड से 10 लगाए हैं तो राइट साइड से भी 10 लगाइए। अगर 12 लगा रहे हैं तो 12 लगाइए ताकि दोनों में बराबर पीक, बराबर मैसिव पंप आए। और इस तरीके से इस वर्कआउट को परफॉर्म कीजिए। इसके बाद देखिए थर्ड एक्सरसाइज जो है, ये भी बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। आपको केबल रोइंग मशीन के पास पहुँच जाना है, एक टेबल लगा लेना है, वहाँ पर आप इस तरीके से बैठ जाइए और दोनों हाथ से प्रॉपर वेट लेके और पंप देते हुए देखिए क्या पीक आ रहा है बाइसेप में। ये भी बहुत ज़बरदस्त वर्कआउट है बाइसेप की पीक के लिए। तो ये वर्कआउट भी ऐड ऑन कीजिए अपने एक्सरसाइज में, बहुत ही ज़बरदस्त फील आएगा। और एट लास्ट हम लोग वीडियो को एंड करेंगे अपना सबसे ज़्यादा कारगर बाइसेप का वर्कआउट जो है आपका हैमर कर्ल। तो थोड़ा यहाँ आज हैवी वेट से ही परफॉर्म कर रहा हूँ तो थोड़ी सी फॉर्म आपको हल्की इधर उधर लगेगी, पर कोई नहीं, चलता है। थोड़ा सा पंप देने के लिए बाइसेप को थोड़ा सा हैवी वेट लगाएंगे तब जाके उसमें वो फील, वो कॉन्ट्रेक्शन आएगा और ज़बरदस्त पीक आप लोग को देखने को मिलेगा। आप एक दिन ये एक्सरसाइज आप अपने वर्कआउट में ऐड करके देखिए, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। हाँ जी, तो भाइयों आ चुके हैं जिम से वापस और एक क्विक एंड ईजी रेसिपी आपको बता देते हैं फटाफट, जो कि है हमारा बनाना पीनट बटर सैंडविच। सबसे पहले हमारे केले, उनको ऐसे छील लीजिए फटाफट और अपने जैसे ये लगा लिया मैंने एक साइड इसमें पीनट बटर, इसको इस स्लाइसेस को बढ़िया इसमें फटाफट ऐसे सजा लीजिए। तो ये बहुत ही टेस्टी और इजी टू डाइजेस्ट और हाई प्रोटीन हाई कार्ब वाले आपके बन जाते हैं, जो आपको फ्यूल प्रदान करते हैं जिम से आने के तुरंत बाद। तो ये हमारा एक बहुत ही बेहतरीन सैंडविच तैयार है। तो इसी तरह मैं सारे बना लेता हूँ। मैं दो लोगों के लिए बना रहा हूँ, एक हम और एक हमारे उपांशु भाई। तो फटाफट बनाते हैं और खाते हैं, जबरदस्त। लंच पे हमारा है दही और सोया चंक राइस, इसकी वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके देखो, बहुत जबरदस्त। हाँ तो भाई लोग रूम पे वापसी हो चुकी है और आज का भी दिन एंड करते हैं। और काफ़ी अच्छा दिन रहा, काफ़ी चीज़ें अच्छी रही। वर्कआउट वीडियो आप देखो और फॉलो करो अपने उसमें, उसको वर्कआउट शेड्यूल में ऐड करो। सारी नई नई एक्सरसाइजें हैं, देख कर थोड़ा मोटिवेट भी हो और अपने लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करो। हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ जिस तरह मैं कर रहा हूँ। 90 डे में कुछ हो ना हो, लेकिन आप अपने आप को एक नया वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन जरूर पाएंगे नए साल में। तो ये नए साल तक चलने वाला ये 90 डे सीरीज चल रहा है। हर दिन हम लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको दे रहे हैं, एक वीडियो भी देते जा रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक मारो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन प्रेस करो और अपने प्यार भरे वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर करो। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, लव यू ऑल।